हेलो बच्चों, एल्डिहाइड पिछले वीडियो में अपने एल्डिहाइड और कीटोन का केमिकल प्रॉपर्टी देखा। आज एल्डिहाइड का हम लोग करने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फिर इसके बाद हम लोग कीटोन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे और एल्डिहाइड कीटोन जो कि हमारे ऑर्गेनिक का सेंटर का ग्रुप है, बीच ग्रुप है और मैक्सिमम क्वेश्चन इसके आते हैं। तो एल्डिहाइड कीटोन का रिविजन आपको रेगुलर करना चाहिए बिफोर एग्जाम, केमिकल प्रॉपर्टी एंड प्रिपरेशन। तो आज हम चलते हैं एल्डिहाइड का, पहले कुछ नेमिंग करेंगे, कुछ कंपाउंड के कॉमन नेम पे हम फोकस करते हैं जो कि आपके कोई भी कंपाउंड, मैं अपने मन से नहीं डाला हूँ, ऑल आर योर फ्रॉम एनसीईआरटी, सारे कंपाउंड आपके एनसीईआरटी के हैं। तो जो कंपाउंड एनसीईआरटी में लिखे हैं, जिसके कॉमन नेम लिखे हैं, उसका थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। तो चलता हूँ मैं एल्डिहाइड की तरफ। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ एच, एक तरफ R और एक तरफ H, अगर दोनों तरफ R हो गई तो इट इज कीटोन। ध्यान दें, कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ अगर R है तब तो ये कीटोन है, बट एक तरफ R एक तरफ H अगर हो गई तो ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड तो आर सी एच ओ भी बोल सकते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड में कुछ कंपाउंड के कॉमन नेम, जैसे एच सी एच ओ सबसे छोटा एल्डिहाइड, सी एच थ्री सी एच ओ। अब यूपेक नेम के लिए मैंने इसको नहीं लिखा, अगर यूपेक नेम का होता तो इसमें यूज होता है सफिक्स अल, मिथनल, इथनल, प्रोपेनल, ब्यूटनल, पेंटनल, हेक्सनल। वंस अगेन, यूपेक नेम में मिथनल, इथनल, प्रोपेनल, ब्यूटनल, पेंटनल, हेक्सनल, बट अगर हम यहाँ पे लिखे हैं तो फॉर देयर कॉमन नेम। फॉर्मल डिहाइड, एसिटल डिहाइड, प्रोपियोनल डिहाइड, ब्यूटायरल डिहाइड, वेरल डिहाइड, कैप्रोल डिहाइड। तो कुछ कंपाउंड के कॉमन नेम का आपको यूज करनी पड़ेगी। फॉर्मल डिहाइड, एसिटल डिहाइड तो सबसे ज्यादा यूज होता है, कभी कभी प्रोपियोनल डिहाइड, कभी कभी ब्यूटायरल डिहाइड, बहुत कम वेरल डिहाइड, सबसे कम कैप्रोल डिहाइड। कुछ और कंपाउंड के आपको कॉमन नेम दिखाता हूँ, जैसे ये कंपाउंड टू हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, यूपेक नेम टू हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, बट इट इज कॉमनली कॉल्ड सेलिसल डिहाइड और ये रीमर टीमान रिएक्शन का प्रोडक्ट है। सेलिसल डिहाइड रीमर टीमान रिएक्शन का एक प्रोडक्ट है, सेलिसल डिहाइड। और जो आइसक्रीम हम लोग खाते हैं जिसमें वेनिला फ्लेवर हमारा होता है, ये कंपाउंड है हमारा वेनिलीन। वेनिलीन इट्स यूपेक नेम इज फोर हाइड्रोक्सी थ्री मिथॉक्सी बेंजल डिहाइड, फोर हाइड्रोक्सी थ्री मिथॉक्सी बेंजल डिहाइड, बट इट इज कॉमनली कॉल्ड वेनिलीन, वेनिला फ्लेवर इसे आती है। इट इज इट्स यूपेक नेम इज थ्री फिनाइल प्रोप टू इन वनल, वंस अगेन वन टू थ्री फिनाइल प्रोप टू इन वनल, बट इट इज सिनेमल डिहाइड, सिनेमल डिहाइड कॉमन नेम, सिनेमल डिहाइड। इस कंपाउंड पे आते हैं, यूपेक नेम वन टू थ्री थ्री ब्रोमो ब्यूटेनल, थ्री ब्रोमो ब्यूटेनल, बट कॉमनली अगर हम इसको बोल दें तो ग्रुप अल्फा बीटा, ये अल्फा पोजिशन या बीटा पोजिशन, बीटा ब्रोमो ब्यूटायरल डिहाइड, वंस अगेन बीटा ब्रोमो ब्यूटायरल डिहाइड। इसको देखते हैं, इट इज साइक्लोहेक्सेन है, नॉट बेंजीन, बीच में गोला नहीं है, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। इसको देखें, यूपेक नेम बेंजीन वन टू डाइकार्बल्डिहाइड, वन पे है टू पे है, बेंजीन वन टू डाइकार्बल्डिहाइड, बट इट इज थेलल्डिहाइड कॉमन नेम, थेलल्डिहाइड, पी से स्टार्ट होता है थेलल्डिहाइड। इस कंपाउंड में आते हैं, सारे कंपाउंड आपके एनसीईआरटी के हैं, मैंने कोई कंपाउंड बाहर से नहीं डाला है। इसका यूपेक नेम है प्रोप टू इन वनल, प्रोप टू इन वनल, प्रोप टू इन वनल, बट एक्रोलीन, एक्रोलीन इसमें आते हैं, प्रोपेन वन टू थ्री ट्राइकार्बल्डिहाइड। एक और बात, अगर सी एच ओ के सी को रैंक मिला, फर्स्ट रैंक आप दिए तब तो यूज अल, अगर रैंक नहीं दिया तब तो कार्बल्डिहाइड। एक बार और, सी एच ओ के सी को रैंक दिया तब तो अल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, लेकिन अगर हम रैंक नहीं दिया तब तो आपको यूज करना पड़ेगा कार्बल्डिहाइड। मैंने पोजिशन किया है वन टू थ्री, इसको 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 पोजिशन नहीं दिया है तो आप यहाँ पर अल यूज नहीं करेंगे, प्रोपेन वन टू थ्री, वन टू थ्री ट्राई कार्बल्डिहाइड। तो ये कुछ कंपाउंड के आपके यूपेक नेम हो गए, कॉमन नेम हो गए, जो कि आपके बुक के हैं, कॉमन नेम का प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। एल्डिहाइड में अल लगता है, कॉमन नेम कुछ के जरूरत पड़ेंगे आपको, जैसे साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, वेनिलीन, सेलिसल डिहाइड, ब्यूटायरल डिहाइड, प्रोपियोनल डिहाइड, थेलल डिहाइड। चल अब मैं चलता हूँ एल्डिहाइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एल्डिहाइड की प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं, कितने तरीके से प्रिपरेशन हमारी होती है, और इसी प्रिपरेशन में कुछ अच्छे नेमिंग रिएक्शन आपको मिलेंगे, जैसे गटरमैन कोच रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, स्टीफिन रिएक्शन, रोजनमुंड रिडक्शन। तो हम लोग सब इसमें देखते हैं, फर्स्ट बाई ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल,
कभी भी प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर आपको मिलेगा एल्डिहाइड। थोड़ा ध्यान दें, अगर प्राइमरी अल्कोहल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन हम कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन K2Cr2O7 KMnO4 के साथ, तब तो डायरेक्टली एसिड में जाएगा। बट हमें ऑक्सीडेशन करना है माइल्ड, सॉफ्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है, CrO3 या तो PCC कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में, बट प्राइमरी अल्कोहल से ही। मैंने लिया है इथेनॉल प्राइमरी अल्कोहल, ऑक्सीडेशन किया CrO3 या PCC के साथ, मिला है इथेनॉल। मैंने लिया प्रोपेनॉल, मिला है प्रोपेनॉल। इस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में आप नंबर ऑफ कार्बन चेंज नहीं कर सकते हैं, जितने कार्बन का अल्कोहल उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड, जितने कार्बन का अल्कोहल उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड। ध्यान देंगे, माइल्ड ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड। याद कीजिए क्लास में मैंने आपको बोला है फुसरो से भंडारी, भंडारी से चंद्रपुरा, ये ऑक्सीडेशन है, या तो फुसरो से डायरेक्ट चंद्रपुरा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन है, और चंद्रपुरा से भंडारी, भंडारी से फुसरो ये रिडक्शन है, और चंद्रपुरा से डायरेक्ट फुसरो स्ट्रॉन्ग रिडक्शन है। तो हम ऑक्सीडेशन किए वीक ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड बनाया 1 डिग्री अल्कोहल से। नेक्स्ट, बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, ये था बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। डिहाइड्रोजिनेशन, कॉपर के साथ 573 केल्विन यूज करेंगे, डिहाइड्रोजिनेट हो जाएगी, एल्डिहाइड मिलेगा। एक बार फिर से, प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करने पर एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करने पर कीटोन, और टर्शियरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन जब हम करते हैं तो एक्चुअली वो डिहाइड्रेट हो जाता है और मिलता है अल्कीन। तो मैंने लिया प्राइमरी अल्कोहल, डिहाइड्रोजनेशन किया कॉपर के साथ 573 केल्विन, मिला एल्डिहाइड, प्लस H2 निकाला क्योंकि डिहाइड्रोजनेशन है। प्रोपेनॉल लिया, प्रोपेनॉल लिया, प्रोपेनॉल मिला प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल होता तो कीटोन मिलता। तीसरा, बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अल्कीन का ओजोनोलाइसिस करने पर हमें एल्डिहाइड या कीटोन मिलता है। बट एक लाइन आपको मैं बोला हूँ, किसी भी अल्कीन का ओजोनोलाइसिस करने पर, मतलब ओजोन से रिएक्शन करना है साथ में जिंक, इट ऑलवेज गिव्स टू प्रोडक्ट, या दोनों प्रोडक्ट एल्डिहाइड हो सकता है, दोनों कीटोन हो सकता है, या कोई एल्डिहाइड कोई कीटोन हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आप कैसा अल्कीन लेते हैं। एक बार फिर से, किसी भी अल्कीन का ओजोनोलाइसिस करने पर, ओजोन से रिएक्शन करना है साथ में जिंक, हमेशा दो प्रोडक्ट मिलेगा, दोनों प्रोडक्ट एल्डिहाइड हो सकता है, दोनों कीटोन हो सकता है, चाहे कोई एल्डिहाइड कोई कीटोन होगा, ये डिपेंड करता है कि आप कैसा अल्कीन लेते हैं। तो मैंने लिया इथीन, ओजोन से रिएक्शन किया साथ में जिंक। होना क्या है, जहां डबल बॉन्ड हो बीचों बीच आप इसको काट दीजिए, ऑक्सीजन था कितना 3, एक ओ यहाँ, एक ओ यहाँ, एक ओ जेडन के साथ। तो यहाँ देखिए HCHO, इधर से भी HCHO, यानी कि 2 मोल ऑफ HCHO और साथ में वेस्ट प्रोडक्ट निकला जेडन ओ, जिंक ऑक्साइड। यहाँ से भी HCHO फॉर्मल्डिहाइड, इधर से भी HCHO, मैंने देख लिया 2 मोल ऑफ HCHO और साथ में एक प्रोडक्ट जेडन ओ। अब यहाँ अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करें तो CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ब्यूटेन ब्यूट टू इन डबल बॉन्ड को बीचों बीचों काटेंगे, एक ओ यहाँ, एक ओ यहाँ, एक ओ जेडन के साथ। तो इधर से मिला CH3CHO, इधर से भी CH3CHO, तो 2 मोल ऑफ CH3CHO एंड साथ में जेडन। ध्यान दीजिए, डबल बॉन्डेड कार्बन पे अगर ब्रांच होगा तब तो इस ये पार्ट कीटोन का होगा, और डबल बॉन्डेड कार्बन पे ब्रांच नहीं है तो एल्डिहाइड होगा। यहाँ बीच से मैं काटूंगा फिर से, एक ओ यहाँ, एक ओ यहाँ, एक ओ जेडन के साथ। तो इधर से मिला CH3CHO, इधर से मिला CH3CHO, इधर से मिला CH3COCH3, कीटोन बन गया CH3COCH3, और साथ में एक वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है जेडन। डबल बॉन्डेड कार्बन पे अगर ब्रांच हुआ तब तो कीटोन, अब ब्रांच नहीं हुआ तो एल्डिहाइड। यहाँ दोनों तरफ ब्रांच नहीं है, दोनों एल्डिहाइड, यहाँ दोनों में ब्रांच नहीं है, दोनों एल्डिहाइड। ये था ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। नेक्स्ट प्रोसेस है मेरा बाहाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, अल्काइन का हाइड्रेशन करने पर। बट ध्यान देना होगा कि इथाइन का हाइड्रेशन करेंगे तो एल्डिहाइड, और इथाइन को छोड़कर कोई भी अल्काइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, ये सब हमको देगा कीटोन। तो चूंकि मुझे एल्डिहाइड चाहिए तो मैंने लिया है इथाइन, इथाइन लिया, वाटर से रिएक्शन, इसको हाइड्रेशन में कर रहा हूँ एक्चुअली, 20% H2SO4, 1% AgSO4 के साथ। तो चूंकि ये सिमेट्रिक है, कहीं H कहीं OH, सिमेट्रिक है कहीं H कहीं OH, यहाँ H लाया, यहाँ पर OH लाया, दिस इज इथिनॉल, ये बना इथिनॉल या तो विनाइल अल्कोहल। अब इसका करना होगा टोटोमेराइजेशन, मैंने कि पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग करूंगा। तो अभी पाई है बिटवीन CC, अब पाई कर दूंगा बिटवीन CO और H को रेफर किया, यहाँ CH3CHO इथेनॉल एसिटाल्डिहाइड।
अगर यही काम मैं प्रोपाइन पे करता तो बनता प्रोपेनॉन। कीटोन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में मैं इसको दिखा दूंगा। तो इथाइन का हाइड्रेशन करके बना दिया एल्डिहाइड, इथेनॉल का टोटोमराइजेशन किया, बुक में लिखा होगा आइसोमराइजेशन, ये एल्डिहाइड बना। तो पांच तरीका, ये चार तरीका तो ओल्ड है, क्लास इलेवंथ में आप इसको देखे होंगे, इसको भी क्लास इलेवंथ में देखे होंगे, इसको अल्कोहल ऑफ अल्कोहल वाले चैप्टर में हम लोग देखे हैं। बट अब कुछ चार तरीके आपके न्यू आने वाले हैं। इसमें पहला है रोजनमुंड रिडक्शन। वंस अगेन, रोजनमुंड इज नॉट ए रिएक्शन, रोजनमुंड रिडक्शन। कोई भी एसिड हैलाइड आप ले सकते हैं, आर सी ओ सी एल या आर के जगह पे कोई कंपाउंड सी एस थ्री सी ओ सी एल या तो बेंजोइल क्लोराइड, किसी का भी रिडक्शन अगर हम कर दें PD/BSO4, इसका नाम है लिंडलर कैटलिस्ट। रिडक्शन करते हैं PD/BSO4 बेरियम सल्फेट के साथ, तो लिंडलर कैटलिस्ट है, इट गिव्स एक एच एंड सी एल, एच सी एल आउट, एक एच एक सी एल, एच सी एल आउट, एक एच एक सी एल आउट, बाकी सब जगह पे एच आ जाएगा। तो ऊपर का आइटम बनेगा RCHO जो कि एल्डिहाइड है, नीचे वाला बना इथेनॉल, लास्ट वाला बना मेरा बेंजल्डिहाइड। तो किसी भी एसिड हैलाइड का रिडक्शन अगर मैं कर दूं लिंडलर कैटलिस्ट के साथ तो मुझको मिलता है एल्डिहाइड, एंड वेस्ट प्रोडक्ट इज HCl। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रोजनमुंड रिडक्शन। नेक्स्ट स्टीफिन रिएक्शन। स्टीफिन रिएक्शन ऑपरेट होता है नाइट्राइल के ऊपर, RCN। तो मैंने लिया CH3CN, रिडक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2 साथ में HCl, SnCl2 साथ में HCl। तो चूंकि रिडक्शन है तो एक पाई को मैंने तोड़ा, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, वन सेकेंड, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, डबल बॉन्ड हो गई होगी CH3CH डबल बॉन्ड NH। ये बना इमीन, ये बना इमीन, इमीन IMINE, इमीन। अब इमीन का आप हाइड्रेशन कर दीजिए इन प्रेजेंट ऑफ एसिडिक मीडियम। जैसे हाइड्रेशन करेंगे तो यहाँ से NH3 बाहर निकलेगा, H2 और NH, ये बना NH3 और O इस जगह पे, इट इज एल्डिहाइड एंड अमोनिया एज ए वेस्ट प्रोडक्ट आउट हो गया। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्टीफिन। नाइट्राइल का रिडक्शन करना SnCl2 HCl के साथ, ये इमीन देगा, इमीन को हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, ये देगा एल्डिहाइड एंड अमोनिया एज ए वेस्ट प्रोडक्ट, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्टीफिन। बट स्टीफिन का एक अल्टरनेट मेथड भी है, बट ध्यान दें ये स्टीफिन रिएक्शन नहीं है, ये स्टीफिन का अल्टरनेट मेथड है, बट ये स्टीफिन रिएक्शन नहीं है। नाइट्राइल लिया, रिडक्शन किया, बट DIBALH के साथ, इट्स फुल फॉर्म नेम इज डाई आइसो ब्यूटाइल अल्मोनियम हाइड्राइड, डाई आइसो ब्यूटाइल अल्मोनियम हाइड्राइड के रिडक्शन के साथ रिडक्शन किया, बना वंस अगेन इमीन, वही इमीन बना, फिर उसका हाइड्रेशन किया, बन गया एल्डिहाइड। बट ये स्टीफिन रिएक्शन नहीं है, अल्टरनेट मेथड है स्टीफिन का। DIBL का एक और एजेंट है, अगर मैं इस्टर ले लेता हूँ, RCOOR इस्टर का रिडक्शन अगर मैं कर दूँ DIBLH के साथ, तो एक मोलॉप एल्डिहाइड और एक मोलॉप अल्कोहल मिलेगा, इस्टर से भी एल्डिहाइड बना सकते हैं। रिडक्शन हमको करना होगा डाई आइसो ब्यूटाइल अल्मोनियम हाइड्राइड के साथ। नेक्स्ट प्रोसेस में ऊपर हम आते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस इटार्ड रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज इटार्ड रिएक्शन। देखिए, मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, प्रोपाइल बेंजीन, किसी से भी हम बेंजोइक एसिड तो बना सकते हैं। एसिड का प्रिपरेशन में आप देखे हैं या मैं आपको दिखाऊंगा, मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, प्रोपाइल बेंजीन, किसी से भी अगर उसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करें तो हम एसिड बना सकते हैं। बट इस रिएक्शन को एल्डिहाइड के स्टेज पे ही रोका जा सकता है, बट यू हैव टू यूज ए सूटेबल रिएजेंट। तो रिएजेंट कौन है, मैंने लिया मिथाइल बेंजीन, इसको रिएक्ट किया है क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, RCOCl2 क्रोमाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ CH2। फर्स्ट ऑफ ऑल इट फॉर्म क्रोमियम कम्प्लेक्स, बेंजीन के ऊपर CHOCrOHCl2 का होल 2, इट इज कम्प्लेक्स। बेंजीन के ऊपर CHOCrOHCl2 का होल 2, इट इज क्रोमियम कम्प्लेक्स। इसका हाइड्रेशन अगर एसिडिक मीडियम में कर दें तो इट गिव्स एल्डिहाइड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इटार्ड। बेंजल डिहाइड बनाना है इटार्ड रिएक्शन के थ्रू, टोलविन लीजिए, क्रोमाइल क्लोराइड RCrO2Cl2 मारिए इन द प्रेजेंस ऑफ CH2। फर्स्ट ऑफ ऑल इट फॉर्म क्रोमियम कम्प्लेक्स, बेंजीन के ऊपर CHOCrOHCl2 का होल 2, इट इज क्रोमियम कम्प्लेक्स। उसका हाइड्रेशन अगर करते हैं एसिडिक मीडियम में तो देता है एल्डिहाइड। यही है इटार्ड रिएक्शन। बट इटार्ड रिएक्शन के दो अल्टरनेट मेथड हैं, बट दोनों अल्टरनेट इटार्ड नहीं हैं। अब इधर आता हूँ, टोलविन लिया, एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन किया CrO3 के प्रेजेंस में, ये भी कम्प्लेक्स बनाया, इसका भी यूज मैंने H3O+ के साथ किया, ये भी एल्डिहाइड, इटार्ड नहीं है। लेकिन सबसे अच्छा रिएक्शन ये नीचे का लग रहा है जो कि इटार्ड का अल्टरनेट मेथड है। टोलविन लिया, क्लोरीन से मारा, सनलाइट के प्रेजेंस में दो बार रिएक्शन हुआ, HCl, दो मोल HCl निकला, यहाँ पर दो Cl आ गए, इट इज बेंजीन के ऊपर CHCl2, बेंजीन के ऊपर CHCl2, इसका रिएक्शन किया वाटर के साथ 373 केल्विन पर, तो
2HCl निकला, OH आ गया, दिस इज एल्डिहाइड। तो ये भी दो स्टेप में, ये भी दो स्टेप में, ये भी दो स्टेप में। तो इसको याद करना पड़ेगा आपको, आपकी मजबूरी है, बिकॉज इट इज इटार्ट रिएक्शन, और ये सबसे सिंपल रिएक्शन लगा। इसको आप हटा सकते हैं, दिमाग से भी इसको इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि ना तो आप इटार्ड हो ना तो हमारी पसंद हो। पसंद देखा जाए तो ये लास्ट वाला अच्छा लग रहा है, ऊपर का रिएक्शन मजबूरी है, हमको इटार्ड के नाम से याद करना होगा। आप इसको लिखिए, बुक में आपका लिखा हुआ है, लेकिन आप दिमाग से इसको हटा दें। नेक्स्ट लास्ट गटरमैन कोच रिएक्शन। गटरमैन रिएक्शन अलग है, ये गटरमैन कोच है। गटरमैन रिएक्शन तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के ऊपर हम लोगों ने क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनाया था, यह गटरमैन कोच रिएक्शन। बेंजीन को आप रिएक्ट कर दीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस में एनहाइड्रस AlCl3 के साथ HCl, इट गिव्स H यहां का, CO यहां का, इट गिव्स बेंजल डिहाइड, इट गिव्स बेंजल डिहाइड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड गटरमैन कोच रिएक्शन। बेंजीन रिएक्ट विथ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 साथ में HCl, इट गिव्स बेंजल डिहाइड। ये था गटरमैन कोच रिएक्शन। तो गटरमैन कोच रिएक्शन, ऊपर वाला इटार्ड रिएक्शन, ये स्टीफिन रिएक्शन, ये रोजनमुंड रिडक्शन, ये हाइड्रेशन ऑफ इथाइन से आप एल्डिहाइड बनाए हो, ओजोनोलाइसिस, और ये डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल और ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। ये था एल्डिहाइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नेक्स्ट वीडियो छोटा होगा, जिसमें मैं कीटोन का कुछ नेमिंग और कीटोन का प्रिपरेशन आपको देता हूँ, और इससे हमारा एल्डिहाइड कीटोन का पूरा पैकेज समाप्त हो जाएगा। थैंक यू।